शांत हो गए। उसने श्राप दे दिया कि इस चने को ग्रहण करने वाला घोर गरीबी में गिरेगा, घोर गरीबी प्राप्त होगी उसको। वही चना आज सुदामा जी के हाथ में आया। सुदामा जी परम विद्वान थे। उन्होंने कहा ये चना तो श्रापित है और कृष्ण नारायण हैं, जगत की पति हैं। अगर कृष्ण इस चना को खाएंगे तो श्राप भयंकर लगेगा, जिसके कारण से नारायण गरीब हो जाएंगे और त्रैलोक के पति जिस दिन गरीब हो गए सारे संसार की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। हमें गोविंद को बचाना है, संसार को बचाना है। उस चना को लेकर चल पड़े। पहुंच गए महाराज वन में, भयंकर बारिश होने लगी। सुदामा जी को अवसर लगा, भगवान वृक्ष पे हैं। सुदामा जी निकाल कर उस चना को खा गए। भगवान कृष्ण अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, जानने वाले हैं। भगवान ने कहा भैया सुदामा बड़ी जोर की भूख लगी, क्या वो देओगे थोड़ी सी चना जो गुरु माँ ने दिया था? बोले कन्हैया वो चना तो कब का गिर गया पानी में हमें पता नहीं। बोले फिर तुम खा क्या रहे हो? बोले उस बारिश के कारण ठंडी लगी, हमारे दांत बज रहे हैं और उस चना को चबा रहे हैं। भगवान ने कहा सुदामा तुम मेरे कारण आज अपने जीवन को तहस नहस कर रहा है, कितना बड़ा मित्र प्रेम निभा रहा है। प्यारे जिस दिन समय आएगा एक एक दाने के बदले एक एक लोक तेरे पे न्योछावर कर दूंगा। ये भगवान ने मन में प्रण किया कि तू मेरे को बचा रहा है मेरे कारण, अपने मित्र के कारण अपने जीवन को नंद में ढकेल रहा है। क्या लीला है भगवान की, कैसी दशा बनाई गोविंद ने। भगवान अंतर्यामी है। समय बीता, दोनों मित्र एक दिन गुरुकुल से विदा लेते हैं। भगवान द्वारिकाधीश बने और सुदामा जी अपने धाम आए। दोनों की दिनचर्या प्रारंभ होती है और हरिओम। हैंड माइक कहाँ रखा हुआ? हैंड माइक ऑफ करिए तुरंत। हैंड माइक जो लिए थे मैनेजर साहब उसको ऑफ करिए। कहाँ है वो? वायरलेस माइक बंद कर दीजिए बिल्कुल। प्यारे भगवान की लीला है। सुदामा जी का विवाह हुआ सुशीला नाम की परम सुंदरी कन्या से। और भगवान के तो कितने विवाह हुए आप लोग जान चुके हैं। गोविंद कितना विवाह किए। दोनों का दिनचर्या बढ़ रहा है। सुनहरा सुंदर समय और उस चने का जो श्राप था धीरे धीरे सुदामा जी के जीवन में उतरना शुरू हो गया। सुदामा जी अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए जाते हैं। कहीं से अगर कुछ प्राप्त हो गया तो उसको ले लेते हैं। कभी किसी से याचना नहीं करते, कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगी, ना ही सुदामा जी यज्ञ इत्यादि में गए। संपूर्ण जीवन उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाया निःशुल्क, एक पैसा फीस नहीं लिया। आज भी हमारे अयोध्या में वेद की कोई शुल्क नहीं लिए जाते। किसी भी संस्कृत अध्यापक के पास विद्यार्थी बैठ करके पढ़ सकता है, कोई पैसा नहीं लगता। सुदामा जी ने किसी से याचना नहीं की कि हमें ये चाहिए, स्वेच्छा से किसी ने दे दिया उसी को स्वीकार कर लिया। समय बीत रहा है, केवल हरे कृष्ण हरे राम भगवान के ही नाम में समय व्यतीत करते हैं। एक दिन कुछ नहीं था घर में,
जूठे बर्तन में एक चावल का तिनका लगा हुआ था। बोले आज गोविंद को क्या भोग लगाऊं, वही चावल के दाने निकाल करके और ठाकुर जी के सामने रख देते हैं। द्वारिका में भगवान के सम्मुख 56 भोग की थाल रखी हुई थी। माता रुक्मणी, मैया सत्यभामा, जामवंती आदि बैठी हैं, पंखा कर रही हैं। आज सुदामा केवल जल पी करके अपने उदर की पूर्ति करते हैं। भगवान ने उस 56 भोग की थाल को टाल दिया कि आज मेरा भक्त भूखा है, और जब भक्त भूखा है तो भगवान भोजन कैसे कर सकते हैं। देवी मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं ग्रहण करूंगा। भगवान ने कुछ नहीं ग्रहण किया, वैसे रात्रि में शयन कर लिया। समय व्यतीत होता रहा। सुदामा जी के बगल के एक राजा के यहाँ गायन करने जाता था राजदरबारी। तो उस राजा के यहाँ नियम था कि उस राजा के गुणों का जो गान करो, यानी भगवान के नहीं राजा के रूप का बड़ाई करो, राजा का वर्णन करो, तो वो राजा प्रसन्न होकर के मोहर देता था। सुदामा जी जा नहीं रहे थे, लेकिन किसी प्रकार से सुदामा जी को समझा बुझा करके ले गए। सुदामा जी पहुंच गए वहां, जाकर के देखते हैं कि उसके सामने मदिरा की बड़ी बड़ी शीशियां गिलास भरे हुए रखे हैं सुराहियों में। दो चार स्त्रियों को पास में बैठा रखा है, मदोमत्त होकर के केस को खोल करके बैठा है। सिर पे कोई तिलक नहीं, कोई मुकुट नहीं। सुदामा जी ने कहा, भैया कहाँ ले आए हमको? उसने कहा, सुदामा घबराओ ना, अभी यहाँ गाओगे तो तुमको धन मिलेगा। अच्छा, जो साथ में लेकर के गया वे राजा की बड़ाई करता, आप महाराज हो, आप दानियों में शिरोमणि हो, आपसे राज्य चलता है, आप तीनों लोगों के स्वामी हो। राजा उतना खुश होकर के मोहरे लुटाता, मोहरे देता। सुदामा जी की बारी आई। सुदामा जी ने कहा, आज तक जब से पृथ्वी पे मेरा प्राकट हुआ है, कृष्ण के सिवा किसी और का बड़ाई हमारे जीवा ने किया ही नहीं है, और यदि मेरी जीवा किसी का उच्चारण करेगी तो वो भगवान की करेगी। और इस अभिमानी राजा का जो नाना प्रकार की वैश्याओं से घिरा हुआ है और अधर्म के पथ पर जा रहा है, इसको ज्ञात ही नहीं है कि इसका भविष्य क्या होगा। राजा ने आदेश दिया कि सुदामा गाओ, नहीं तो बहुत दंडित किए जाओगे। घबरा गया सुदामा जी ने कहा, चाहे जो कुछ भी हो लेकिन मैं गाऊंगा नहीं, अगर गाऊंगा तो गोविंद का ही स्मरण करूंगा, कृष्ण के सिवा किसी को नहीं गाऊंगा। सुदामा जी उस राजा को चेतावनी देते हैं कि सुन राजा, अब त्याग दे झूठा मान गुमान, दो दिन की ये जिंदगी है, दो दिन का ये शान। तुझे ज्ञान है ये तेरा जीवन दो दिन का है, और कुछ क्षण अगर तू भगवान को भजले हरि हरि, जपले हरि हरि। राजा क्रोधित हो गए। सुदामा जी ने कहा कि कल राजा कोई और था, आज राजा कोई और है, और कल राजा कोई और होगा, तुझे ज्ञान नहीं है। ये जो तेरा जीवन है, जो तेरा रूप है, रंग है, ये सब एक निश्चित समय के लिए है, और वह निश्चित समय आने पर अपने आप समाप्त हो जाएगा। बड़े जो साथ में लेकर आया था चिंतित हुआ, दुखी हुआ कि अब तो सुदामा लगता है मारे गए, कौन बचाएगा। प्यारे सुदामा जी को सैनिकों से उठवा करके और महल के नीचे फेंकवा दिया सीढ़ियों से। सुदामा जी के शरीर पे भयंकर चोट आई है, एक एक घुटने फूट गए, सिर में चोट लगी, हाथों में चोट लगा है, बहुत दुखी हैं, क्या करें।
भगवान की लीला बड़ी न्यारी है। भगवान जब मिलते हैं या अनुग्रह करते हैं तो उससे पहले बहुत परीक्षा लेते हैं। गुरुदेव भगवान बतलाते थे कि एक बार हम लोग गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, ऐसी भयंकर गर्मी थी, गाड़ी की एसी तो चल रही थी फिर भी उसका इंजन ओवरहीट हो गया, बहुत ज्यादा गर्म हो गया। तो ड्राइवर ने कहा कि महाराज जी गाड़ी ज्यादा गर्म हो गई है, थोड़ा देर हम लोग रुक करके इसको ठंडा कर लेते हैं फिर चलेंगे। तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, गाड़ी बंद कर दिया। बंद करने के बाद में गुरुजी कहते हैं जब गाड़ी बंद हो गई तो उसके जो टेम्परेचर की सुई थी वो नीचे नहीं और ऊपर जा रही थी। तो गुरुदेव पूछते हैं कि जब गाड़ी बंद हो गई तो इसकी सुई ऊपर क्यों जा रही है, इंजन को ठंडा होना चाहिए। ड्राइवर कहता है महाराज जी इस गाड़ी ये चल रही थी तो इसमें एसी वगैरह लगा था, थोड़ा बहुत इसको हवा मिल रही थी इसलिए टेम्परेचर इसका घटता बढ़ता था, लेकिन अब ये बंद हुई है तो थोड़ी देर तक अचानक बंद होने के कारण एक बार गर्म होगा और गर्म हो करके जो सुई ऊपर गई है वो धीरे धीरे नीचे जरूर आएगी। ठीक इसी प्रकार से जीवन में जब हम भगवत चरणानुरागी बनते हैं, भगवान का शरण लेते हैं, तो जो हमारे पाप कर्म किए होते हैं वो सब जल करके भस्म होने लगते हैं। जब अति शीघ्र वो जलते हैं तो उनका जो फल होता है वो तुरंत प्राप्त होना होता है, लेकिन जब हम भगवत चरणानुरागी बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो भगवान की कृपा होगी ही। जैसे सुई नीचे आती है ऐसे भगवान की भी कृपा जरूर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बस हमें क्या करना चाहिए, लगे रहना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान के चरणों में लगे रहें, संदेह ना करें। प्रभु पे कभी जीव को संदेह नहीं करना चाहिए। सुदामा जी को भयंकर चोट आई लेकिन जाते जाते उन्होंने समझा दिया उसको, चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा है, और जग वालों का हुआ अंधेरा अपना हुआ सवेरा। बोले एक दिन ऐसा आएगा कि सारे संसार को छोड़ करके इस जीव को जाना पड़ेगा, कि ये महल जो तूने बनवाया किस काम का, चला जाएगा छोड़ कर एक दिन, सिर पे ठठरी का ठेला रहेगा, कोई यहाँ पर टिकने वाला नहीं है, ये ज्ञात रखना कल कोई और राजा बनेगा इसी गद्दी पर। किसी प्रकार से भयंकर चोट लगे हुए सुदामा जी आज अपनी कुटिया में आए, मैया सुशीला देखती है बड़ी दुखी हुई, ये स्थिति मेरे, कोई औषधि लेकर के आती है लगाने के लिए, लेप करती है, बार बार शरीर में दर्द होता है। सुदामा जी कहते हैं देवी आराम से लगाओ, बहुत दुख हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है। मैया कहती है कि अब पीड़ा हो रही है तो क्या कर, घाव है तो उस पे औषधि तो लगाना ही पड़ेगा। सुदामा जी कहते हैं हमें कृष्ण की कथा सुनाओ तब लगाओ। मैया ने कहा फिर अपने कृष्ण से ही कह दो आकर के लगा दे तुम्हारे मलहम। सुदामा जी कहते देवी ऐसा मत बोलो, वो बड़े भक्त वत्सल हैं, आज भगवान को यह वाणी सुनाई पड़ी कि जिसका मित्र नारायण हो द्वारिकाधीश हो उसकी ये दशा। मैया सुशीला नीचे चटाई पे शयन कर रही, सुदामा जी खाट पे पड़े हैं टूटी सी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। भगवान एक स्वर्ण का पात्र लेकर के मक्खन लेकर के प्रकट हो गए और सुदामा जी के शरीर पे मलहम लगाने लगे, मक्खन का लेप कर रहे। सुदामा जी ने कहा
देवी क्या लगा रही हो, तेल जैसा कुछ लग रहा है। मैया कहती हैं किससे बातें कर रहे हो, मैं तो सहन कर रही हूँ। बोले फिर ये शरीर में कौन क्या लगा रहा है। माता उठ करके देखना चाहती है, तब तक भगवान अंतर ध्यान हो गए, लेकिन वह पात्र वही रह गया। सुदामा जी ने देखा सुंदर कांचन का पात्र स्वर्ण का, रोने लगे। द्वारिका जी भगवान को याद करते हैं, भगवान आप मेरे कारण आए, मेरे कारण आपको कितना कष्ट हुआ। आप हमारे वज्र जैसे शरीर पे अपने कोमल से हाथों से लेप करते हैं, भगवान आपको नहीं आना चाहिए। बार बार भगवान को धन्यवाद करते हैं, रोते हैं भगवान के विषय में, भगवान को याद करके भगवान की कथा का सुमिरन करते हैं, उस बचपन की बातों को याद करते हैं जो गुरुकुल में व्यतीत किए थे। सुदामा जी भगवान की कथा को बहुत सुनते हैं, मालूम स्वयं से भी गाते रहते हैं। और देखिए कथा वही है जिसको सुन करके व्यथा मिट जाए, वही भगवान की कथा। आचार्य समझाते हैं कथा की बड़ी महिमा है। गुरुदेव भगवान बताते थे, कोई सज्जन व्यक्ति थे, ये बड़े संपन्न आदमी थे, लेकिन कभी भगवान की कथा में नहीं जाते थे। एक दिन पास में कथा शुरू हुई तो धर्म पत्नी के कहने पर तैयार हो गई कि चला जाऊंगा। बड़ा अभिमानी व्यक्ति था, कथा में आ गया भगवान के। अच्छा कथा शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले पहुंच गए तो वहां के जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा आइए आइए। सुंदर आसन लगा हुआ था, बैठा दिया। उसने कहा बैठिए बैठिए, बैठ गया। अच्छा बैठते ही आवत नींद जुड़ाई, जैसे ही बैठा उसी समय उसको घोर निद्रा आ गई और भगवान की कथा में सो गया। व्यास जी आए, पूरी कथा हुई, पूरी कथा समाप्त हो गई, आरती हो गई, व्यास जी चले गए। अब वही व्यक्ति बैठा रहा पंडाल में, एक तो जो सो रहा है सेठ, और दूसरा व्यक्ति जिसके दरी पे वो बैठा था वो कैसे जाए, क्योंकि दरी उसकी बिछी थी। उसने किसी प्रकार से हिम्मत बनाई, बड़ा अभिमानी व्यक्ति है, उसको कैसे उठाए। तो उसने आवाज लगाया जाइए जाइए। अब ये जगह, और जब जगह देखा पूरा पंडाल खाली, कथा हो गई, सब चले गए। तो इसने कहा कथा हो गई? बोला हाँ कथा तो हो गई। बोला बड़ी अच्छी कथा थी, क्या भगवान की सुंदर कथा थी। घर पे आ गया, पत्नी ने पूछा सुनाए कथा? बोला हाँ कथा सुनाई, लेकिन वहां केवल तीन ही कथा होती है बस, आइए बैठिए जाइए। जब हम गए तो लोगों ने कहा आइए, फिर बोले बैठिए, फिर आखिरी में बोले जाइए। पत्नी ने कहा ये तुम्हारे लिए मंत्र है। विचार किया पत्नी ने कि अभिमानी आदमी है, दोबारा तो भगवान की कथा में जाएगा नहीं। बोले इसलिए से ये तुम्हारे लिए मंत्र है, कल फिर जाना कथा में। रात्रि हुई, पलंग पे आया, अब कथा में सो करके आया था इसलिए नींद न आया, तो याद किया कि पत्नी ने कहा था मंत्र है, तो उसको जप करे, बार बार बोले आइए बैठिए जाइए। बत्ती बंद कर दी कमरे में, आधी रात हुई। अच्छा उसी दिन इसके कमरे में चोर घुसा, जैसे चोर आया तो ये मंत्र जप रहा था आइए। अच्छा चोर को लगा ना कोई देख रहा, चोर दबे पांव लौटने लगा, तो इसने कहा बैठिए। चोर बोला देखने कोई। चोर बैठ गया, और जब बैठ गया तो पीछे मुड़ करके भागा, और चोर जब भागा तो बोला जाइए। चोर ने कहा पहचान लिया, पकड़वा देगा। तो चोर हाथ जोड़ करके आया और सामने खड़ा हो गया।
अब जब इसने सामने देखा तो बत्ती जलाया, अचकित हो गया। मंत्र इतनी जल्दी सिद्ध हो गया, इतनी जल्दी मंत्र सिद्ध होता भगवान। ये पूछता कौन हो तुम? अब चोर काहे को बुलवाते हो, आप तो सब जानते हो। बाकी जगह से जो चुरा के लाया था रुपया पैसा सब लिए खड़ा रहा। बार बार बोला अच्छा कोई बात नहीं, अभी इसको लगे कि मंत्र की प्रभाव। चोर चला गया सब धन दे कर। इसने अपने पत्नी को उठाया, अब पत्नी से सारा हाल सुनाया। तो पत्नी ने कहा जब तुम भगवान की असली कथा से ये झूठे जो झूठे शब्द हैं इनको ले आए और असली चोर तुम्हारे शरणागत हो गया, जिस दिन तुम भगवान की कथा से असली शब्द ले आओगे तुम्हारे मद मत्सर लोभ मोह सब तुम्हारे शरणागत हो जाएगा। ये भगवान की कथा है, भगवान कि भगवान की कथा में बैठ करके भगवान के असली शब्द को चुनना चाहिए, प्यारे प्यारे शब्दों को चुनना चाहिए। ये आचार्य दर्शन करवाते हैं। सुदामा जी का समय व्यतीत हो रहा है, भगवान के भजन में, भगवान की कथा में, और वो चाहते भी हैं कि हम भगवान के ही चरणानुरागी रहें। एक दिन सुदामा जी कहीं गए हुए थे तो इनके कुटिया पर महाराज भृगु ऋषि जी आए, और भृगु ऋषि ने देखा कि ये तो सुदामा ब्राह्मण का घर है, ये स्थिति। सुशीला देवी भिक्षा लेकर के आई, लेकिन आज महर्षि को देने के लिए उनके पास बड़े थोड़े से टूटे फूटे चावल। भृगु ऋषि ने कहा देवी जिसका मित्र भगवान हो उसकी ये दुर्दशा, जानते हो द्वारिकाधीश कौन है? जगत के पति हैं, एक बार भेजो तो कम से कम जाएं तो। सुशीला जी को समझ में आया, सायंकाल हुई, रात्रि में जब शयन करते हैं सुदामा जी, तो मैया ने समझाया कि जब आपके मित्र ही भगवान हैं तो आप क्यों नहीं जाते हैं? सुदामा जी कहते हैं देवी किस लिए जाऊं, अब जीवन तो व्यतीत हो गया। बोली अपने लिए नहीं लेकिन इन बच्चों के लिए तो जाओ, इनका भी तो कोई भविष्य है, इनके लिए तो आपको जाना चाहिए। सुदामा जी ने कहा देवी सो ठीक है, लेकिन मित्र के यहाँ, राजा के यहाँ, गुरु के यहाँ और बेटी के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ ले करके जाना चाहिए। और आप तो जानती हो कि मेरी पास कुछ भी नहीं है। मैया ने कहा उसकी व्यवस्था मैं करूंगी। एक एक पास में गई पड़ोस में और थोड़े से चावल की याचना की, वह भी उधार कि जिस दिन हमारे पति देवता लौटेंगे जितने चावल लेकर जा रहे हैं उससे सवा लगा करके वापस करूंगा। तो उसने क्या किया, जिससे चावल साफ करते हैं सामने जो टूटे चावल निकलते हैं उसी को बांध करके दे दिया, यही चावल ले जाओ। एक खूंट में बांध करके लाई, सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी प्यारे उस चावल की पोटली को लेकर के आज कहाँ जा रहे हैं? भगवान से मिलने जा रहे हैं। भगवान ने कहा जब तक मेरा सुदामा अन्न ग्रहण नहीं करेगा मैं भी ग्रहण नहीं करूंगा। उस समय से उन्होंने भी अन्न का त्याग कर दिया। द्वारिका में जो भगवान की रानियां हैं वे चकित हैं कि कौन सा ऐसा मेहमान आने वाला है कि जिसकी अगुवाई में भगवान अन्न ही छोड़ दे। ये भगवान की लीला है। रानियां कहती भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, कितनी करुणा के अवतारी हैं।
सुदामा जी चले जा रहे हैं महाराज। सुदामा जी ने कहा, भगवान अब निकल पड़ा हूँ, चाहे आप मुझे अपने चरणों में बुला लीजिए या फिर यहाँ से ही वैकुंठ बुला लीजिए। सजन बन जाऊं चरण अनुरागिन, चरण अनुरागिन सदा मैं सुहागिन, चरण अनुरागिन सदा मैं सुहागिन, सजन बन जाऊं चरण अनुरागिन। सुदामा जी कहते हैं, आपके चरणों का हमें अनुराग चाहिए और मेरे लिए तो केवल एक ही काम हो, कोई दूसरा काम ना हो, कि सब तज भजन काम नहीं दूजा, सब तज भजन काम नहीं दूजा, तेरे गली में आऊं मैं बन के पुजारी, सजन बन जाऊं चरण अनुरागिन। चलते चलते उस जगह पर पहुंच गए, कहां जहां एक सुंदर नदी बहती है। अब सुदामा जी असमर्थ हो गए कि इस नदी को मैं कैसे पार करूंगा, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं कि तैर तैर कर जाऊं। लेकिन भगवान की कृपा, भगवान ने मुरली मनोहर ग्वाले का रूप धारण करके एक नौका लेकर के दूर से आ रहे हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सुदामा जी ने देखा, अरे जय श्री कृष्ण बोलने वाला कौन आ रहा है भाई, गदगद हो गए, बोले जय श्री कृष्णा भैया। वे मुरली मनोहर नजदीक आए, बोले जय श्री कृष्णा, कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो द्वारिका जा रहे थे, हमारा नाम सुदामा है। मुरली मनोहर ने कहा कि मैं भी द्वारिका के पास ही जा रहा हूँ। सुदामा जी ने कहा, भैया नाम नहीं बताए? बोले मेरा नाम मुरली मनोहर है और मैं तो श्री कृष्ण का ही भक्त हूँ। बोले फिर तो हम दोनों एक ही पार्टी के हो गए, हम भी श्री कृष्ण को भजते हैं, आप भी श्री कृष्ण को भजते हैं, एक से भले दो, आओ हम साथ साथ चलेंगे। आज भगवान भक्त को लेकर के चल रहे हैं, मार्ग में सुदामा जी के पैरों में कांटे चुभते हैं, भगवान उन कांटों को निकाल रहे हैं। धीरे धीरे एक स्थान पर पहुंचे, रात्रि हुई तो भगवान के पास कुछ प्रसाद था, उन प्रसादों को खोल करके रखा कि सुदामा जी आपने कुछ खाया नहीं होगा, इस प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए। जैसे प्रसाद को खाना चाहते हैं, बच्चों की याद आ गई, परिवार की, सुदामा जी ने उस प्रसाद को रख दिया कि मेरे बच्चों को क्या मिला होगा, मेरी पत्नी क्या खाई होगी, घर में तो एक दाना अन्न नहीं है, दुखी हो गए। बोले भैया ये तो आप ही ग्रहण करो, मैं नहीं खा सकता। एक पिता का जीवन परिवार के भरण पोषण के लिए होता है, संपूर्ण जीवन उसी में दबा होता है। भगवान ने उसी समय व्यवस्था किया, कुछ संत की टोली आ रही थी आपस में चर्चा करते हुए, बड़ा सुंदर भंडारा चल रहा था, बड़ा दिव्य भंडारा चल रहा था। सुदामा जी ने पूछा, रे भैया कहाँ से आ रहे हो? बोले उसी द्राविड़ क्षेत्र से आ रहे हैं, वहाँ पे सांवलिया सेठ के यहाँ बालक का जन्म हुआ है, तो 14 कोस के आसपास के जितने गांव हैं, उन्होंने एक महीने तक का भंडारा चलवा दिया है, दोनों समय का भोजन सांवलिया सेठ के भंडारे से मिलेगा, किसी को अपने घर में व्यंजन बनाने की आवश्यकता नहीं है। सुदामा जी समझ गए कि सांवलिया सेठ तो हमारे नजदीक ही रहते हैं,
और अगर एक महीने तक चलेगा उनका भंडारा तो हमारे बच्चों को भी भोग मिलता रहेगा। तब सुदामा जी ने उस प्रसाद को ग्रहण किया और जब सुदामा जी के उदर की पूर्ति हुई तो भगवान की उदर की पूर्ति हुई। ये भगवान की लीला है। भगवान ने एक सुंदर सरोवर का उसी समय निर्माण किया। प्रातः काल हुई जहां सुदामा जी स्नान करें और सुंदर ठाकुर जी की मूर्ति भी विद्यमान हो गई। उस छटा का बार बार दर्शन करके और बार बार भगवान को भजते हैं सुदामा जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए हमारे बीच में द्वारिकाधीश भगवान बैठे हैं और उनके द्वारपाल भी हैं, तो आप लोग सावधानी पूर्वक बैठेंगे। बड़े तगड़े हैं और लठ भी लिए हैं जोरदार है, तो इधर उधर कोई खलमंडली नहीं करना भाई, द्वारपाल हैं ये। और जब महाराज बैठे हों तो राजा के सामने प्रजा की क्या औकात। शांति से भगवान का दर्शन करेंगे। सुदामा जी बार बार भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान ने कहा, भैया सुनो, हम तो चले आए लेकिन हमें हमारे धर्म पत्नी की याद आ गई, क्या करें। शांति बनाए आप लोग, नहीं फिर यहां से लीला आगे और बढ़ाई। मध्य से जो लोग खड़े हैं भाई हट जाओ, जगह खाली खाली। बीच से जगह खाली कर दीजिए, सुदामा जी आएंगे उसके लिए जगह चाहिए। और परम शांति स्वरूप में आप लोग बैठिए प्यारे, भगवान की कथा को सुनिए। सत्वम वदीयेन, सत्वम वदीयेन शरीर वृत्तिम, देहेन निर्वलते ही तो प्रसीद विद्यावसानो तुक पालवत सा विशिष्टताम धेनु हियं बहन्ति। शांति बनाए भाई द्वारपाल। देखिए भगवान का दरबार है तो भगवान के दरबार में नाना प्रकार के लोग होते हैं, भांति भांति के। और आज जो झांकी आपके सामने खड़ी है ये साधारण बालक नहीं है, भगवान के विग्रह के रूप में है। इनमें अपने बालकों का दर्शन मत करना, इनमें दर्शन करो कि ये भगवान के प्रतिबिंब हैं, भगवान के द्वार पाल हैं। ऐसा दर्शन करना चाहिए प्यारे। भगवान बार बार दर्शन करवाते हैं।
सुदामा जी तो अपना भजन कर रहे हैं, लेकिन भगवान कुछ और ही अपना भजन कर रहे हैं। हमारा भगवान कहते मेरा तो अभी नया नया विवाह हुआ था, अब मन करता है यहाँ से घर लौट जाऊं मैं। सुदामा जी कहते भैया ऐसी स्थिति क्यों बनी? भगवान कहते मेरी बात तो सुन लो, लक्ष्मी जैसी हमरी भोली रे दुल्हनिया, दुल्हनिया बिन रहो नहीं जाए। लक्ष्मी जैसी भोली हमरी रे दुल्हनिया, दुल्हनिया बिना रहियो न जाए। रहियो न जाए प्यारे, रहियो न जाए, रहियो न जाए प्यारे, रहियो न जाए। याद आते ही आवे अखियों में पनिया, दुल्हनिया बिन रहियो न जाए। याद आते ही आवे अखियों में पनिया, दुल्हनिया बिना रहियो न जाए। लक्ष्मी ऐसी मेरी प्यारी सी दुल्हनिया, दुल्हनिया बिना रहियो न जाए। सुदामा जी कहते भैया क्या यही भजन है आपका? अरे आपको कम से कम अगर भगवान का भजन नहीं करना तो हमारे में तो विघ्न मत डालो। भगवान संकेत देना चाहते हैं कि सुदामा पहचानो, तनिक प्रेम ले आओ। सुदामा जी कहते अगर तुम्हारे जैसा हम प्रेम करते तब तो यहाँ नहीं होते, तब तो हम भी घर ही होते। भगवान कहते अच्छा एक लाइन और सुन लो, उसके बाद में आप अपना भजन करो। याद दिलवाते सुदामा जी को सचेत करते हैं कि ऐसे दुल्हनिया के मुखड़े की ज्योति, ऐसे दुल्हनिया के मुखड़े की ज्योति, ऐसे दुल्हनिया के मुखड़े की ज्योति। जैसे हो सागर के अनमोल मोती, जैसे हो सागर के अनमोल मोती, जैसे हो सागर के अनमोल मोती, जैसे हो सागर के अनमोल मोती। हम हैं ग्वाले और हमरी महारनिया, दुल्हनिया बिन रहो नहीं जाए। हम हैं ग्वाले उनकी वो हमरी महारनिया, दुल्हनिया बिना रहियो न जाए। हम हैं ग्वाले उने ओ हमरी महारनिया, दुल्हनिया बिना रहियो न जाए। सुदामा जी कहते हैं कि हमें लग रहा है कि आपको घर छोड़ करके नहीं आना चाहिए, आप घर पे ही रहते। मुरली मनोहर स्वरूप भगवान कहते मैं घर क्या, कहीं भी रहूंगा अगर कण कण में चला जाऊं वहां भी शक्ति के बगैर नहीं रह सकता। युग युग की है प्रीतिया हमारी, युग युग की है प्रीतिया हमारी, वो हमारी देवी हम उनके पुजारी, वो हमारी देवी हम उनके पुजारी, वो हमारी देवी हम उनके पुजारी। कब सीता लागे कब रुक जय हो, दुल्हनिया बिन रहो नहीं जाए। कब सीता लागे कब हो रुक मनिया, दुल्हनिया बिना रहियो न जाए। कब हो सीता लागे कब हो रुक मनिया, दुल्हनिया बिना रहियो न जाए। सुदामा जी उठ करके खड़े हो गए और
आगे आगे अकेले चल दिए, पीछे पीछे मुरली मनोहर दौड़ रहे हैं। भगवान समझ गए कि अटल भक्ति हृदय में विद्यमान है, कोई भी विचलित नहीं कर सकता है। आगे आगे चल पड़े, पीछे पीछे मुरली मनोहर कहते हैं कि भैया मेरा भी दंडवत कह देना द्वारिकाधीश से। सुदामा जी ने कहा ठीक है भैया, साथ छोड़ो बस, तुम्हारे जैसे की जरूरत नहीं है, हमारी भक्ति में बाधा डालते हो। सुदामा जी आगे आगे चले जा रहे हैं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण हे प्रभु, डर वो लागे
बड़ी दूर नगरी